नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत GNT माने गुड न्यूज़ टुडे पे। हमारा शो जो आप देख रहे हैं उसका नाम है ओम शांति ओम। हम लोग शुरुआत करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। अपने हाथ आप छाती की ओर ले आए। हमेशा की तरह हम लोग शुरुआत करेंगे एक मिनट के ध्यान के साथ। तो आप एक कंफर्टेबल सीटेड पॉस्चर पर बैठ जाएं, हाथ को चिन्ह मुद्रा में जोड़ दें, ठुड्डी हल्की सी आप नीचे ले आएं छाती की ओर, आपका बैक ऑफ द नेक सीधा होना चाहिए। बस लंबी गहरी सांस लें अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अपने पूरी बॉडी को स्कैन करें, अपने टोस को, एंकल्स को, काफ्स को, नीज को, थाइस को, हिप्स को, पेल्विस को, अपनी पूरी स्पाइन को आप स्कैन करें, जैसे एक एक्सरे आपके शरीर को स्कैन कर रहा है। फिंगर्स, पाम्स, रिस्ट्स, फोरआर्म्स, एल्बोज, अपर आर्म्स, शोल्डर्स, चिन, लिप्स, नोज, आईज, फोरहेड। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अपने मन को शांत कर लें योग के अभ्यास के लिए। फिर अपने पाम्स को रब करिए, हाथ को आंख की ओर। अपने हथेलियां को अपने माथे के साइड पे लगाइए और पांचों उंगलियां आपके स्कल पे, और थोड़ा सा हल्का सा दबाइए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को फोकस करने के लिए। फिर हाथ को नीचे ले आए। कोई भी योग अभ्यास के पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा फोकस और रिलैक्स करें, क्योंकि अगर आप योग अभ्यास एक बहुत डिस्टर्ब्ड माइंड के साथ शुरू करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी डिस्टर्ब रहेगी, आप इतने आसन अच्छी तरीके से कर ही नहीं पाओगे। और जो खास तौर जो बैलेंसिंग आसन होते हैं वो आप अच्छे से बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और आज हम देख रहे हैं योग का सबसे महत्वपूर्ण आसन, वो है शीर्ष आसन। खास तौर शीर्ष आसन के पहले आपको अपने आप को बिल्कुल फोकस्ड और रिलैक्स करना है, क्योंकि ये आसन एक स्ट्रेंथ आसन नहीं है। लोग बोलते हैं कि अरे मेरे हाथ में स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे कोर में स्ट्रेंथ नहीं है, मैं शीर्ष आसन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो 90 ईयर्स ओल्ड के हैं, 80 ईयर्स ओल्ड के हैं, उनको शीर्ष आसन करते हुए देखा है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो 150 केजी के हैं, उनको मैंने शीर्ष आसन करते हुए देखा है। तो उसमें ना तो वेट, ना तो एज, ना तो स्ट्रेंथ, इसमें एक लिमिट होती है। शीर्ष आसन केवल एक चीज़ पर डिपेंडेंट है, वो आपकी मेंटल स्टेट और मेंटल कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत इतना सुंदर आसन है क्योंकि ये आपको ये सिखाता है कि हम अपने डर को, अपने भय को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। यही होती है इस आसन की खास बात। सब योग गुरु बताते हैं हमको कि शीर्ष आसन
योग का सबसे अच्छा आसन होता है। इसके इतने सारे लाभ होते हैं मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, कि ये ऐसा आसन है अगर आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी है तो सबको इसको सीख जाना चाहिए। पर आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको कोई सर्वाइकल इशू है, अगर आपको कोई मेजर शोल्डर इशू है, तो आप इस आसन को नहीं करें, क्योंकि कोई अगर सर्वाइकल या शोल्डर इशू है तो वो शीर्षासन अगर आपने गलत किया तो इससे ये थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है शीर्षासन को, क्योंकि ये मुश्किल आसन थोड़ा सा है। परंतु अगर आप इसका अभ्यास करेंगे धीरे धीरे धीरे, अगर आप रोज़ अभ्यास करेंगे शीर्षासन का, तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप इस आसन को मास्टर कर सकते हैं। पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये ऐसा आसन नहीं है कि आप एक या दो दिन में सीख सकते हैं, नहीं, इसका रोज़ हमको अभ्यास करना है। और ये सुंदर चीज़ है, क्योंकि योग हमको यही सिखाता है कि ज़िंदगी में अगर हमको कुछ भी पाना है तो हर चीज़ हम इतनी जल्दी नहीं पा सकते हैं। इस ज़माने में जो ये व्हाट्सएप का ज़माना हो चुका है, हमको ये आदत सब पड़ चुकी है कि बस एक क्लिक में हमको हर चीज़ चाहिए, जो हम एक डिलीवरी चाहिए एक क्लिक पे, खाना चाहिए एक क्लिक पे, किसी को मैसेज भेजना है एक क्लिक पे। पर शीर्ष आसन आपको एक क्लिक पे नहीं मिल सकता, आपको शीर्ष आसन के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा काम ये है कि अपने आप मन को संतुलित करें, आपके शरीर को संतुलित करें। और इसमें क्या होता है कि अगर आप शीर्ष आसन करते हैं तो हर चीज़ भी ऑटोमेटिक संतुलित और ज़्यादा हो जाती है। तो कितनी अच्छी चीज़ है ना, आप थोड़ा सा संतुलित अपने आप को बना देते हैं आसन के लिए, और ये आसन तो आपको और ज़्यादा संतुलित कर देता है। तो ये इतना अच्छा आसन है, ये आपको ये बताता है कि ज़िंदगी में हम कैसे बैलेंस करते हैं। और आखिरी में तो ज़िंदगी एक पूरा बैलेंस के बारे में ही है। हम अच्छी ज़िंदगी तभी जी सकते हैं जब हमारी हर चीज़ बैलेंस में रहे, है ना, यही योग हमको सिखाना चाहता है। तो आप आराम से देखें, मैं आपको आज ये बताऊंगी कि शीर्ष आसन का अभ्यास हम कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। शीर्ष आसन एक टेक्निक की बात होती है, एक ये स्ट्रेंथ की बात नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सबसे सिंपल टेक्निक शीर्ष आसन करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपका बॉडी अच्छे से वार्म अप है शीर्षासन के पहले। एक ठंडे शरीर पे नहीं करें, अगर आप खास तौर पे कोई ठंडे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, थोड़ा सा वार्म अप करें, थोड़ा सा जॉगिंग करें, थोड़े से स्थूल व्यायाम करें। एक ठंडे शरीर पे हम इमीडिएटली शीर्षासन का अभ्यास नहीं करते हैं। शीर्षासन के पहले एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डॉल्फिन या अर्ध पिंचमयूर आसना। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये आपके कंधों पे, बाजू पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ महसूस कराएगा और आपको थोड़ा सा बैलेंस एक फिजिकल लेवल पे समझाएगा। तो आप आराम से सबसे पहले वज्र आसन में बैठें, आराम से हर स्टेप को आप देखें। अपने हाथ को आप नीचे ले आओ, ये देखो कि आपके एल्बोज और शोल्डर्स एक लाइन पे, अपने हाथ को ऐसे बांधें और लेग्स को पीछे ले आएं, और आपको आगे पीछे अपने ब्रेथ के साथ जाना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इसको आप 20 बार कोशिश करें। और अगर आपको थोड़ा सा थकान आ रहा है अपने बाजुओं पे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रेस्ट करके इसको वापस स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ आपकी बॉडी पूरी सीधी होए और यहाँ पे बेंड होए, ये आपकी शोल्डर्स को थोड़ा सा वार्म अप करेगा और थोड़े शोल्डर्स को लचीला बनाएगा इस आसन के अभ्यास के लिए। और फिर आप वापस आ जाएं, थोड़ा सा आप रेस्ट करें, और फिर हम करेंगे शीर्ष आसन का सबसे पहला स्टेप, वो होता है बाल आसन। आपको बाल आसन करना ही करना है शीर्ष आसन के पहले और शीर्ष आसन के बाद। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। आप बाल आसन ज़रूर करें, लंबी गहरी सांस, अपने मन को रिलैक्स करें, बॉडी को रिलैक्स करें, ये आपके ब्लड प्रेशर को सही लेवल पे लाने के लिए ज़रूरी है। अपने कंधे और
आपके एल्बोज शोल्डर्स एक लाइन पे और अच्छे से यहाँ पे हाथ बांधिए, ठीक है। और अब आप अपने सिर को नीचे रखेंगे। आपको ये देखना है कि ये सिर का बीच वाला हिस्सा जो होता है, बिल्कुल जो बीच पे, ये ज़मीन पे आए। आपके जो हथेलियाँ हैं वो आपके सिर को सपोर्ट करते हैं, तो वो बीच वाले हिस्से को बिल्कुल नीचे और आप ऊपर आ जाएं। तो ये होता है थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप पे आप आ जाएं और यहाँ से आप धीरे धीरे आगे चलें, जितना भी आप आगे चल सकते हैं, घुटने बिल्कुल सीधे, और यहाँ से आप एक घुटना ऊपर उठाएं और थोड़ा सा अपने आप को ऊपर करें। ये होता है नेक्स्ट स्टेप। आप अगर यहाँ तक भी आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। थोड़ी देर यहाँ पे जमे रहें और हम लोग फिर से देखेंगे ये वाला स्टेप। कोई लोग ये वाला स्टेप नहीं कर पाते, वो लोग ऊपर नहीं आ पाते, तो थोड़ा सा आप यहाँ ये अभ्यास कर सकते हैं कि ऊपर हम एक बैलेंस से कैसे आएं। थोड़ा सा अगर आप ये प्रैक्टिस कर लें तो इस पोस्चर पे आ जाएं। यहाँ पे लंबा घना सांस, फिर आराम से आप अपने लेग्स को ऊपर उठाएंगे और पैरों को सीधा करेंगे। यहाँ पे लंबा घना सांस, लंबा घना सांस, उसी तरीके से आपको नीचे आना है। लेग्स को नीचे, हर चीज आराम से, और फिर आप बाल आसन में थोड़ा सा रिलैक्स करें और यहाँ पे आप अपना सिर साइड टू साइड कर लें। अपने हेड को रिलैक्स करें। अगर आपसे हेड स्टैंड नहीं हो पा रहा है पूरा, तो बस इतना ही आए पहले, आप इतना ही अभ्यास करें कि सिर आप नीचे ले आए और यहाँ तक आ जाएं। यही बहुत अच्छा स्टेप है, आपको यहाँ से भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं हेड स्टैंड के। तो ये आप यहाँ तक भी आ जाएं, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बैलेंस बन जाएगा, आपके माइंड एंड बॉडी का बैलेंस। आराम से नीचे आए और यहाँ से आप ऊपर आराम से आ जाएं। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अगर आपने शीर्ष आसन का अभ्यास किया है तो आप ये कोशिश करें कि सर्वांगासन, हलासन और मत्स्य आसन, इन तीनों आसनों का शीर्ष आसन के बाद अभ्यास करें। जब हमने शीर्ष आसन किया तो थोड़ा सा प्रेशर हमारे गर्दन, हमारे कंधे पे पड़ा हुआ होगा, तो ये तीन आसन जो हैं, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्य आसन, ये तीन आसन थोड़ा सा प्रेशर रिलीव करते हैं हमारे गर्दन और हमारे बाजुओं से। तो मैं आपको जल्दी से इन तीनों आसनों का डेमो देती हूँ, तो आप कोशिश करें कि ये चार आसन साथ में करें। आप आराम से नीचे लेट जाएं, आप अपने लेग्स को छाती की ओर और यहाँ से ऊपर आ जाएं सर्वांग आसन में। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, और यहाँ पे होल्ड करें हैं, एक छोटा सा एडजस्टमेंट, यहाँ पे घुटने छाती की ओर, दोनों एल्बोस को क्लोज और एक और बार ऊपर। यहाँ पे भी हम अपने शोल्डर्स को, नेक को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर इफेक्ट थायराइड पे, और ये भी बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलेशन लाता है हमारे बॉडी में। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, और यहाँ से हम हलासन की शुरुआत करेंगे। सीधा पैर पीछे और ऊपर, लेफ्ट लेग बैक, हैंड अप, लेफ्ट लेग बैक, हैंड अप, आखिरी बार पीछे, आराम से ऊपर, और यहाँ से हम दोनों पैर को पीछे ले जाएं, और अगर आपके पैर नीचे टच कर रहे हैं तो हाथ को आप सामने खोलेंगे। यहाँ से लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर,
अगर आप पैर नहीं छू रहे हैं तो हाथ अपने कमर पर, और यहाँ से आप आराम से नीचे आ जाएं, और यहाँ से हम थोड़ा सा रेस्ट करें आप शवासन में, थोड़ा सा पेल्विक फ्लोर को नीचे प्रेस करें तो आपके लोअर बैक पे अगर थोड़ा सा टेंशन है वो रिलीज होता है, और फिर हम जाएंगे मत्स्य आसन पे, ठीक है, हाथ बॉडी के नीचे ले आएं, और आप ये कोशिश करें कि आपके एल्बोज जो हैं बिल्कुल पास हैं, यहाँ से आप ठुड्डी को ऊपर करें, एल्बोज को और भी पास ले आएं, पूरे छाती को ऊपर खींचें, और बिल्कुल आराम से आप ये कोशिश करिए कि आपका सिर जमीन पे, यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें, ये बहुत सुंदर काउंटर पोज हुआ विपरीत शोल्डर स्टैंड का, हलासन का, यहाँ पे भी बहुत सुंदर इन्वर्जन मिल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लंबी गहरी सांस, यहाँ पे आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खुला हुआ है, तो आप बहुत अच्छी लंबी सुंदर सांस ले सकते हैं, फिर आराम से ऊपर आए और फिर नीचे, और फिर यहाँ पे आप अपने घुटने छाती में ले आएं और थोड़ा सा साइड टू साइड रोल करें, अपने गर्दन को साइड टू साइड ले आएं, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे नेक मसाज होता है, और अगर गर्दन में कोई भी अड़चन है शीर्षासन के बाद तो आप इसको थोड़ा सा आप साइड टू साइड ले जा सकते हो, और यहीं से आप पूरा ऊपर तक आ जाओ। तो यही हुआ शीर्ष आसन, योग का सबसे महत्वपूर्ण आसन, कि इतना अच्छा आसन है कि सबको कोशिश तो कर लेना चाहिए एक बार, पर आप ये सावधान रहें कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं, अगर आपको हाई बीपी है, या अगर आपको ग्लॉकोमा की प्रॉब्लम है, तो आप हेडस्टैंड नहीं करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देता है, तो बेस्ट है कि आप अवॉइड करें। अगर आपको कोई भी सीरियस फिजिकल कंडीशंस हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें हेडस्टैंड के अभ्यास करने के पहले, क्योंकि हेडस्टैंड का अभ्यास ऐसा है कि एक डेली प्रैक्टिस है, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आप जल्दी से कर लो इसको और नीचे आ जाओ। ये भी ध्यान रखें कि जितना लंबा आप हेडस्टैंड करें उतना ही ज़्यादा अच्छा। गुरुजी बीकेएस आयंगर बोलते थे, जो हेडस्टैंड करता है वो अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है, क्योंकि हेडस्टैंड ही ऐसा आसन है जो एंटी एजिंग के लिए सबसे अच्छा है। ये योग का नंबर वन आसन है। हमारे योग के जितने भी गुरु हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हमने सब यही बोला है कि हेडस्टैंड शीर्ष आसन सबसे अच्छा आसन है। तो अगर आप केपेबल हैं आप इसका अब ज़रूर अभ्यास करें, और अगर आपको 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझको खुद को इस आसन को करने के लिए 2 साल लगे, और फिर इसको परफेक्ट करने के लिए मुझको और 10 साल लगे, और अब मैं इस आसन को आधे घंटे तक होल्ड कर सकती हूँ, पर मैं रोज़ इसका अभ्यास करती हूँ, और मैं धीरे 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 कोशिश करती हूँ कि इसमें समय बढ़े, क्योंकि मैं जब ये आसन करती हूँ तो एक इतनी सुंदर स्थिति होती है माइंड और बॉडी में, मैं इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, ये तो एक्सपीरियंस की बात होती है। ये मेरी उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया और आप शीर्ष आसन को अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ।